हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कोई भी खोया हुआ फ़ोन जो हमारा है वो कैसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके घर से आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, या आप कहीं चलते चलते उस फ़ोन को गुम कर देते हो। तो उस फ़ोन को वापस कैसे ला सकें आप, वो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं जब आपके लिए नई वीडियो बनाकर लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए दोस्तों, या फिर गूगल क्रोम, वहाँ पर लिख लीजिए। मैं एक ऐप का नाम बता रहा हूँ आपको, फाइंड माई डिवाइस। ये एक ऐप है दोस्तों, ये देखिए, फाइंड माई डिवाइस। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, जो कि मैंने कर रखा है ऑलरेडी इंस्टॉल। तो फिर आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे इसमें वर्क करना है। एक मिनट रुकेगा, स्विच अकाउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी वाली, मान लीजिए कि मेरा जो फ़ोन गुम हुआ था उसमें कौन सी आईडी लॉगिन थी, ईमेल आईडी, तो उसमें मेरी, मान लो मेरा एक फ़ोन खो गया है वीवो का, तो उसमें ये वाली आईडी लॉगिन थी 9205615411@gmail.com। तो मैं इसको कर लूँगा क्लिक और कंटिन्यू एस संजय। तो इसको जब मैं लॉगिन कर लूँगा दोस्तों, तो फिर ये मेरे पास ऐसा मैप सा खुल के आ जाएगा। उसके बाद मेरे को एक कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक बारी रिफ्रेश मारना है। रिफ्रेश मारने के बाद ये डिवाइस से कांटेक्ट करेगा, ये जो कि मेरी डिवाइस है एसस, पर मेरे को वीवो का जानना है, तो मैं इस पे यहाँ पे वीवो पे क्लिक करूँगा। तो ये कांटेक्ट कर रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये कांटेक्ट कर चुका है, और इससे हमें पता चल गया ये डिवाइस है कहाँ अभी। ये देख लीजिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये गार्ज हॉस्पिटल के सामने है और सुभाष चंद्र बोस पार्क के सामने है ये डिवाइस। तो आप ऐसे पुलिस में कंप्लेन करके या तो डिवाइस मंगा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर खुद जाके ला सकते हैं डिवाइस। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपकी ईमेल आईडी किसी के पास भी रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनेबल लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा लीजिए, या फिर उसका डाटा क्लियर कर दीजिए, ताकि आपके फ़ोन का डाटा जो है वो उनके पास जा ना पाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर अभी वीडियो पसंद आई आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक